अस्सलाम वालेकुम। अब हम आगे चलते हैं और सैडल स्टिच की एक और एग्जांपल लेते हैं इंशाल्लाह। लेटर साइज 8 पेज कंपनी प्रोफाइल, ठीक है। तो हमने A5 को 16 पेज को हमने सेट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, वो सैडल स्टिच पे हमारा 16 अप पे सेट हो गया। अब ये 8 पेज का है और लेटर साइज पे, तो अब हम इसको कैसे सोचेंगे, कैसे देखेंगे इंशाल्लाह। तो आइए चल के देखते हैं। प्रेप्स में फाइल आके ऐड की ये लेटर साइज का, ये हमने ले लिया एड सिलेक्शन। अच्छा, अब हम ये देख लेंगे जो लेटर साइज है ना, ये हमारा 23x36 की जो पेज साइज है उस पर ईजिली प्रिंट हो जाता है। तो अब हम आते हैं अपने स्टॉक पे, स्टॉक में चेक करते हैं। अच्छा देखिए, आप 25x18 तो हमारे पास अवेलेबल है, तो इसको हम हाफ करेंगे जब 25x36 को, तो ये हो जाएगा। हम इसको डुप्लीकेट करते हैं और डुप्लीकेट करने के बाद इसको डिफाइन करते हैं 18x13 इंच। 8 अप के बजाय ये हो जाएगा 4 अप, क्योंकि A4 साइज है ना। तो इसको हम बस वो डिफाइन नहीं करते, अप्स यहाँ ले जाते हैं 23 और 18। सेव किया तो देखिए हमारे पास ये स्टॉक बन गया है 23x18 इंच का। तो हम इसको जस्ट फ्रंट ले लेते हैं फिलहाल, चलें ये भी रहने देते हैं। अगेन हम आएंगे अपने लेटर को डिफाइन करेंगे यहाँ पे, तो देखिए 8 हमारे पास आ गए। और अब क्या करेंगे, कंट्रोल एम दबाएंगे, और कंट्रोल एम दबाने के बाद अब हमें समझ में आता है। देखिए 8x11 इंच इसने ऑटोमेटिकली उठा लिया, और इसके अंदर आएंगे 2x2। जब 2x2 हो जाएंगे तो ये 4 हो जाएंगे। अब हम चाहते हैं इसका फोल्डिंग पैटर्न। अच्छा होगा ये भी सैडल स्टिच ही, क्योंकि 8 पेज है ना, तो सेंटर में पिन लग जाएगी। अब हम आते हैं, जैसे ही हमने 2x2 डिफाइन किया तो इसने ऑटोमेटिकली बताया कि आप F87 जो है ना यूज कर लें। तो ये हम ले लेते हैं, लेकिन फिर भी हम जाके फोल्डिंग पैटर्न अपना चेक कर लेते हैं कि किस तरह। देखें ये बिल्कुल इसने सही परफेक्टली उठाया कि 1 यहाँ आएगा और 8 यहाँ आएगा। अच्छा मैं क्या करता हूँ, इसको रोटेट कर लेता हूँ, ये रोटेट कर लिया और फ्लिप कर लेता हूँ। नहीं, अब रोटेट कर लेता हूँ, मुझे समझ में ऐसे आता है कि 1 इधर हो और 8 इधर हो। तो देखिए ये 1 8 इधर आ गया, 1 के पीछे 2 आ जाएगा, 3 के पीछे 4 आ जाएगा, 7 के पीछे 8 आ जाएगा, और 6 के पीछे 5 आ जाएगा। तो देखें ये इसने जो खुद ही सजेस्ट कर दिया कि 2x2 का जो है ना ये पैटर्न सही रहेगा, इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इसका हेड ट्रिम 3 mm, और हम यूनिट चेंज करके भी mm डिफाइन कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में समझा देता हूँ इंशाल्लाह। और स्पाइन हम इसको 0 कर लेते हैं, क्योंकि जब सेंटर से पिन लगती है तो फिर कोई स्पेस नहीं आता। और 8x11 2x2 और ये सारी चीज़ें हो गई, इसको हम करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके किया, तो ये देखिए कि जैसा हमारा पैटर्न था उस हिसाब से ये बेहतरीन तरीके से लग के आ गया। अब सिंपल मैं क्या करूँगा कि यहाँ आके अपना ये जो फोल्डिंग मार्क है ये मैं डिलीट कर देता हूँ, और अपना जो पूरा सेट है वो इस पर अप्लाई कर देता हूँ क्रॉप मार्क। ये देखिए मेरा पूरा क्रॉप मार्क का जो सेट है वो लग गया। अच्छा यहाँ से डबल नाइफ शो करा रहा है, और बाकी यहाँ से देखिए इसके अंदर ब्लीड डाउन नहीं है, लेकिन ब्लीड डाउन हो जाएगा तो ये लग जाएगा, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं इंशाल्लाह। अब आप ये देखिए, लेकिन माउंटिंग जो असल समझाना चाह रहा हूँ कि पेज 1 के पीछे 2 आया, 3 के पीछे 4 आया, 7 के पीछे 8 आया, और 5 के पीछे 6 आ गया। तो देखिए कितने अच्छे तरीके लग गया। अच्छा हम चाहते हैं, अच्छा ये क्रॉप मार्क ऑन हुआ है, इसके अंदर ये पूरा ग्रुप नहीं लगा, तो हम यूँ भी कर सकते हैं कि कलर बार आ जाए, कलर बार आ गया आपका, और स्लग आ जाए, तो देखिए मेरा स्लग आ गया। स्लग को मुझे सिंपल ये करना है कि अगर मैं मूव करना चाहता हूँ स्लग को, अपने स्लग में पूरी डिटेल मौजूद होती है हमारी ना, तो इसको लॉक ख़त्म किए, और अब मैं जहाँ दिल चाहे इसको मूव करना चाहूँ मूव कर सकता हूँ। अच्छा आप में से बहुत से लोग जो वीडियो देख रहे होंगे वो कह रहे होंगे कि भाई आपने हेडले का तो जिक्र किया ही नहीं। बात यह है कि आप लोग जो लोग ये देख रहे हैं ना, वो हेडले को हर चीज़ को समझते हैं, सिर्फ मैं इस सॉफ्टवेयर को सिखाना चाहता हूँ, इसमें हेडले और बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ाना चाहता। और ये जो हम सेटिंग पे काम कर रहे हैं इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें यकीन है कि जैसे ये सेंटर से तो लगा है, लेकिन जब प्लेट लगेगी तो वो 1.5 इंच का हेडले ऑटोमेटिकली छोड़ेगा प्लेट के लिए, और प्रिंटिंग के लिए 1/2 इंच का हेडले खुद बखुद निकल आएगा जब इन मार्क्स को ऊपर करके चलाएगा। तो इसमें इतनी चीज़ों को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगेन देखें कि कितनी जल्दी हमारा जो है 8 अप का मैगजीन जो है या लेआउट जो है वो लग गया। अच्छा अब आप ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ ये जो आ रहा है ना डबल नाइफ, इसको डबल नाइफ नहीं, इसको सिंगल नाइफ होना चाहिए। तो हम अगर इसको सिंगल नाइफ करना चाहें तो हम इसको सिंगल नाइफ कर सकते हैं, लेकिन ये जो जॉब है इस वक्त इसकी रिक्वायरमेंट जो है ना सिंगल नाइफ की नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट डबल नाइफ की है, क्योंकि ये फोल्ड होने के बाद कटिंग होगा तो हमें वो स्पेस देना होगा। ओके तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ और इसको डिफाइन कर देता हूँ लेटर साइज 4 अप
फोर अप्स लेआउट, ये मैंने डिफाइन कर दिया। और अब हम इसकी प्रिंट करके कंट्रोल पी कमांड पी प्रिंट किया, और प्रिंट करने के बाद भी हम इसकी पोजीशन चेक कर लेते हैं। और इससे पहले मैं लिख देता हूँ आउटपुट, तो ये हमारा आउटपुट भी हो गया। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, इसको मैंने बंद किया। और यहाँ आके हम अपनी आउटपुट चेक कर लेते हैं दूसरी वाली, ये लेटर साइज फोर अप। तो देखिए जो हमारा फ्रंट का लेआउट है और दूसरा हमारा बैक का लेआउट है। ये फाइल सिंपल आप अपनी जो है ना CTP वाले को दे दीजिए, या खुद आपके पास CTP लगी हुई है तो उस पर दे दीजिए, या आप इधर फिल्म पे काम कर रहे हैं तो आप फिल्म से दे दीजिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बगैर किसी एरर के ये हो जाएगा। देखिए ये सिर्फ जो कटिंग मार्क आ रहा है, ब्लीड ऑन नहीं है इस डॉक्यूमेंट में, इसलिए ये हो रहा है। ब्लीड ऑन हो जाएगी तो ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में और अगले सेशन में इंशाल्लाह। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम।